जो लोग बोल रहे थे कि CSIR में कमेंट पढ़ रहा था, तो CSIR नए लोगों के लिए 6 महीने में कवर करना मुश्किल होता है. फॉर दोज पीपल CSIR अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो इट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर आप एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो इट्स अ डिफरेंट थिंग. एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 25 क्वेश्चन सी पार्ट से, 35 क्वेश्चन बी पार्ट से और 15 क्वेश्चन ए पार्ट से सॉल्व करने होते हैं. ठीक है ना, 35, 15, 20, 50 और 25, 75 क्वेश्चन, राइट. तो 25 क्वेश्चन जो होते हैं उसको कवर करने के लिए आपको पूरी 13 यूनिट्स कवर करने की भी जरूरत नहीं होती है. 8, 9, 7, 8, 9 यूनिट्स इज शुड बी सफिशियंट फॉर यूनिट्स. अगर मैं उम्मीद करता हूँ 8, 9 यूनिट आपने अच्छे से कर ली, यू कैन डेफिनेटली टेक आउट 25 क्वेश्चन फ्रॉम दोज यूनिट्स. एवरेज 3 क्वेश्चन और हो जाएंगे अगर आपने 9 यूनिट पूरी कवर करी है. 13 पूरी करने की जगह 9 यूनिट कौन सी होती है वो टारगेट आप करेंगे, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपको लगता है आप कर सकते हो, ईजी लगता है कवर करने में होगा, वो सारी चीज़ें. ठीक है, पर हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं. 75 भाई कवर करने के लिए वो पूरा सही करने की जरूरत नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, कोई भी पूरे मार्क्स स्कोर नहीं करता. 25 में से अगर आपने 20-22 क्वेश्चन भी सही कर लिए दैट इज इनफ. ठीक है, 35 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी. ठीक है, तो 9 यूनिट्स बहुत अच्छे से और 3 यूनिट आपने अगर जस्ट नो ग्लिम्स भी देखी हुई है और आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना, तो आप 35 क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. तो नेगेटिव मार्किंग मतलब नेगेटिव करना क्या, जब तक आप श्योर नहीं हो रहे हो सबका क्वालिफाई हो जाएगा, सब कुछ नहीं है. पूरी बुक्स पढ़ना बेस्ट पार्ट पढ़ लेना और जो जो बुक्स होते हैं नाम भी भूल जाऊंगा. ठीक है ना, तो लेनिंजर है, बायोकेमिस्ट्री के लिए तो वो सब पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं. बहुत आराम से निकलेगा, बस पढ़ाई करो सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटेजी के साथ. सब कुछ कवर करने जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ. अपने आपको बर्डन मत करो कि 30 यूनिट्स पूरी कवर करके जाना है. टारगेट प्योर 8-9 यूनिट्स आपका स्ट्रॉन्ग है, यू गो विद इट. थोड़ा सा एनालिसिस करोगे पेपर का तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन एवरेजली पूछे जाते हैं. ज्यादा 30-32 क्वेश्चन आपके पास हो, जिससे आपको 25 करने हो, ज्यादा क्वेश्चन 75 से बनाता हूँ. तो यू नो चूज योर बैटल्स वाइजली. भगवान कृष्ण का शायद अर्जुन को उन्होंने बोला था गीता ग्रंथ कि चूज योर बैटल्स वाइजली. तो मैं फिर आपको बोलूंगा चूज योर बैटल्स वाइजली. आपने यूनिट चूज करो, किसको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, दैट विल डू. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.